एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज बताने जा रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ 26 जनवरी है और 26 जनवरी हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है फुटबॉल मैच का। और फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और हम दिखाते हैं। अभी के बज रहे हैं 10 और हम जाएंगे मेले में। अभी तक रेडी, नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और हमारे बच्चे लोग भी रेडी होंगे, तो बने रहिए फ्रेंड्स। हम आपको दिखाते हैं मेरे बच्चे लोग किस तरह के रेडी होंगे। ओके, ठीक है, बने रहिए फ्रेंड्स। हम लोग हो गए रेडी और हो रहे हैं हमारे चिरकुट और बुच्ची रेडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए और दिखाते हैं आपको किस तरह का है, किस तरह नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। बने रहे हमारे ब्लॉग में और हम रेडी हो लेते हैं और चलते हैं, ठीक है। आ चुके हैं, अब रोड पार कर लिए और हम लोग जा रहे हैं अभी मेला घूमने। तो ठीक है, दिखाते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग रेडी है और हम लोग दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग इधर जा रहे हैं और इधर ही रास्ता है, ठीक है। इधर ही रास्ता हम लोग जा रहे हैं और ये देख सकते हैं रोड का किनारा है और इधर पूरा यही सड़क है जो हम लोग इधर से आ रहे थे। अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहे हमारे ब्लॉग में। हम आपको दिखाते हैं आगे किस तरह का मेला का रेडी किया गया और किस तरह का नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग इधर पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में और आधे रास्ते में पहुंच कर दिखाते हैं कि किस तरह का है, ठीक है। तो बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। और तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमारे चिरकुट आगे आगे जा रहा है और हमारी पुच्ची जाने के लिए आगे नहीं खोज रही है। देख सकते हैं इधर किस तरह का, ठीक है। गली गली रास्ते से जा रहे हैं, ज़्यादा दूर है नहीं, इस वजह से धूप भी लग रहा है फ्रेंड्स और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है लग रहा है। इसीलिए अभी हम लोग आधा रास्ता पहुंच चुके हैं और आधा रास्ता पहुंच लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी बहुत दूर में हम लोग, अभी थोड़ा सा कम से कम 2 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए हम आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग जंगल वाले रास्ते से जाएंगे, इसमें फॉरेस्ट का रास्ता है, ठीक है। फॉरेस्ट का रास्ता से घूमते घूमते जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह का जंगल है। ओके फ्रेंड्स, तो दिखाते हैं आपको किस तरह का फॉरेस्ट है। देख लीजिए फॉरेस्ट किस तरह का है, ठीक है। ये हमारी पुच्ची है जो जा रही है अभी जंगल जंगल रास्ता में, और जंगल रास्ता में हम लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं जंगल किस तरह का है, देख लीजिए, ठीक है ना, जंगल किस तरह का है। और पीछे से भी लोग आ रहे हैं अपने, और हम लोग इधर जंगल से होते होते जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जंगल, और चिरकुट का हमारा जंगल देख सकते हैं। चिरकुट क्या, चिरकुट कैसा लग रहा है जंगल में जा के, देख लीजिए इस तरह का जंगल है। और इधर सभी को जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। चिरकुट आगे आगे हमारे बच्चे जा रहे हैं, चलिए चलो बच्चे आगे की ओर। देख सकते हैं यही है फॉरेस्ट, जंगल का जंगल छोटा सा है। और यही जंगल होकर हम लोग जाएंगे अभी मेले में। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि किस तरह का वहाँ क्लासमेंट किया जा रहा है फुटबॉल का और किस तरह का, ठीक है। तो बने रहे फ्रेंड्स, हम आपको आगे दिखाते हैं क्योंकि यहाँ जंगल है और जंगल में मज़ा नहीं आ रहा है, रास्ता एकदम क्लियर है, ठीक है। आगे हैं नदी के सामने और नदी है यहाँ पर, और देख लीजिए सभी को जा रहे हैं। और नदी की वजह से थोड़ा सा हम लोग को चलने में दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पानी ऐसा जगह है, तो हमारे बच्चे चलने में थोड़ा सा दिक्कत करेगी क्योंकि रास्ता मट्टी वाला है और कच्चा सड़क है, इस वजह से देख रहे हैं ना सभी को जा रहे हैं, हम लोग भी सब जा रहे हैं। और उधर है मेला फ्रेंड्स, उस पट्टी या नदी पार करके हम लोग जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे ब्लॉग में और हम लोग दिखाते हैं आपको किस तरह का, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये नदी पार करके हम लोग आए हैं और नदी पार करने के बाद इधर देख सकते हैं सभी कोई जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं पैदल पैदल, ठीक है। अब पैदल पैदल जाने से बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक्सरसाइज भी हो जा रहा है और बढ़िया तरह से मज़ा भी आ रहा है और जंगल जंगल जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ा आया फ्रेंड्स, किस तरह का नज़ारा है और इधर का देख सकते हैं। ये हम लोग जंगल पार कर दिए हैं और जंगल पार करने के बाद इस तरह का सीन और इस तरह का नज़ारा लगता है, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, लोग भी देख रहे हैं इधर कितना सुनहरा है, सुनसान है, ठीक है, देख लीजिए। और हमारे ये दोनों जन चलने में पूरा कोड़िया कर रहे हैं और हम तो चलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो हम लोग भी मज़ा आ रहा है चलते चलते। और बच्ची बोलती है मज़ा भी आ रहा है और कभी बोलती है कि दादा मेरा जूता में कचड़ा घुस गया और थक जा रहे हैं, बताइए ऐसे भी होता है क्या, आप सोचते हैं ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम चलते चलते आगे दिखाते हैं ये रास्ता कितना सुहाना और कितना मज़ेदार है। ओके,
चुके हैं, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ है कि मत पूछिए, देख रहे हैं ना इस तरह का है, आप देख लीजिए इस तरह का भीड़ है। ठीक है, हम दिखाते हैं क्योंकि उधर से सनलाइट आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देख सकते हैं गाड़ी उड़ी रख दी है और हमारे बच्चों को पानी पास लग गया है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं मेला में और आपको हम दिखाते हैं इस तरह का मेला। ठीक है, बने रहे हमारे ब्लॉग में। ठीक है, मेले में आपको पता ही है, देख सकते हैं मिठाई का कैसे लगा के रखे, ओह मेरा तो दिल छू जा रहा है, मिठाई खा खा के मिठाई हो जाएंगे। दोस्तों देख लीजिए किस तरह के कपड़े और ये बेल्ट वगैरह सब लाए हैं अंकल लोग अपने दुकान लगाने के लिए। देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर दुकान दिख रहा है, देख लीजिए गाड़ी तक लेके आए हैं हीरो का और एक्सट्रीम, डाउन पेमेंट 5000 कीजिए और लेके जाइए। देख सकते हैं इधर भी, ये देखिए इधर भी कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, और इतना मेले में नए नए सामान सब लेके आए हैं, देख सकते हैं ना कितना अच्छा दिख रहा है ये सामान सब, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मेले में ही देखने मिलता है कुछ नए नए सामान और मार्केट में कहाँ मिलता है दोस्तों। देख सकते हैं खाने का सामान, खाने का सामान तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएं, मतलब हर मेले में इतना ज़्यादा ज़्यादा सामान आते हैं खाने का। देख सकते हैं कतारी है और इधर देख सकते हैं ये बादाम है, प्लास्टिक में बांध बांध कर देखिए सब ला के रखे हैं, ये देखिए मिठाइयाँ हैं और इधर भी क्या है देख लीजिए दोस्तों किस तरह का ये, और इधर भी बच्चे लोग सब चल रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, देख लीजिए मिठाई किस तरह का दिख रहा है, और इधर भी पूरी सारी मिठाइयाँ ही मिठाई हैं, और देख सकते हैं ठेले सब में भी बेच रहे हैं, ये देख लीजिए जलेबी वाले। तो देख सकते हैं हमारे संदीप यार कितना स्टाइल से, ठीक है चलो चलो देख सकते हैं ज्यादा भीड़ है। लेंगे घूम लेते हैं उसके बाद एक बार घूम लेंगे उसके बाद क्या हाँ बहुत ज्यादा भीड़ है ₹1000 ले रहे हैं ऐसे दिखा दे देख के देख लीजिए दोस्तों इधर मुर्गा पाड़ा होता है, हम लोग इधर ही जा रहे हैं एक बार देख लेते हैं कि मुर्गा हो रहा है या नहीं, मतलब मुर्गा लड़ाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आपको फुटबॉल जहाँ खेलते हैं वहाँ दिखाते हैं और क्या क्या हो रहा है फुटबॉल का। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों हमारे ब्लॉग में और देख सकते हैं किस तरह का लग रहा है।
तो दोस्तों बताइए कमेंट में जरूर आप लोग आए थे या नहीं मेला में 26 जनवरी का नरकरा मेला में। और आए हो तो जितने भी हो आप मेरे चैनल में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और बताइएगा कि इस और मतलब हर एक साल के बाद इस साल का मेला बहुत ही ज़्यादा भीड़ था या नहीं था, कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगा क्योंकि देख सकते हैं आप इधर मुर्गी लड़ाई की तरफ में गाड़ी स्टैंड किस तरह लगा दिए गए हैं। और इधर भी देखिएगा कि देखिए मतलब मुर्गी लड़ाई ख़त्म होने के बाद भी यहाँ का पीने खाने का देख रहे हैं ना, यहाँ कभी भी घटता नहीं है। अब बताइए ठंड के मौसम में ये लोग इतना ज़्यादा पी रहे हैं। और धूप तो धूप अभी दिए हैं, आज के दिन तो धूप दिए हैं क्योंकि आज 26 जनवरी है ना, इस वजह से। और देख सकते हैं मतलब पीने वाले को भी कमी नहीं है और घूमने वाले को भी कमी नहीं है, इतना ज़्यादा मेले में भीड़ है कि क्या बताएं। और हमारा चिरकुट आगे आगे जा रहा है, देख सकते हैं इतना ज़्यादा आगे जा रहा है कि क्या है। हमारा चिरकुट आगे आगे जा रहा है और हम लोग भी देख लेते हैं किस तरह का लगाया हुआ है स्टॉक सब। बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों मेले में घूम कर, और मेले का मज़ा मतलब अलग ही तरह है। देख रहे हैं ना इतना ज़्यादा भीड़ है और धूल तो धूल उड़ रही है, आपको धूल का तो नज़ारा नहीं दिखाई देगा क्योंकि थोड़ा सा कम ही उसका उठाव है धूल का, ठीक है। देख लीजिए किस तरह का भीड़ है, हम लोग फील्ड तरफ जा रहे हैं अभी और देखते हैं कि हमारे दोस्त वगैरह मिलते हैं या नहीं। देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ है, ओह तो देख रहे हैं दोस्तों मेले में। देख लीजिए फील्ड को चारों तरफ से घेर दिया गया है दोस्तों, और वो देख लीजिए हमारे तिरंगा झंडा का जो कलर है उससे मतलब टेंट को बनाया गया है। और देख सकते हैं इतना ज़्यादा भीड़ है, देख लीजिए धक्का मुक्की हो रहा है, देखिए ना दोस्तों। इस वजह से हमें सेफ्टी से चलाना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, देख सकते हैं। और क्या ही बताएं दोस्तों, इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि मतलब एक दिन का मेला में इतना ज़्यादा भीड़ हो जाना बहुत ही गजब का है दोस्तों। और इतना ज़्यादा भीड़ में मेले घूमना बहुत ही मज़ा है आगा। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं स्टेज में भी देख रहे हैं ना कितना देखने के लिए सभी कुछ चढ़ गए हैं, और हम लोग कैसे चढ़ेंगे पता नहीं, पर हम लोग जाएंगे आगे की ओर, शायद डांस प्रोग्राम हो रहा होगा इस वजह से स्टेज पूरा भीड़ करके रख दिए हैं। देख लीजिए किस तरह के लोग आ रहे हैं और इधर से उधर घूम रहे हैं, क्या करेंगे घूम के, यही है मेला में तो पूरा। तो देख लीजिए दोस्तों इतना ज़्यादा प्लेग्राउंड भीड़ है कि चारों पट्टी से घेर दिया गया है ग्राउंड को, और ग्राउंड में हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा तो कैसे देख पाएंगे दोस्तों, आप भी बता सकते हैं कि नहीं। देख लीजिए दोस्तों सभी को इधर से उधर घूम रहे हैं, जिसको जैसे घूमने का मन कर रहा है वैसे घूम रहे हैं, हमें भी मज़ा तो आ रहा है पर क्या करें हमारी बच्ची है थोड़ा सा इसी दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत होने का कारण बस यही है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना यार, इतना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है और मुझे तो लग रहा है कि ये मेला नहीं, ये बहुत ही मतलब कुछ एक ऐसा दृश्य लग रहा है कि क्या बताऊँ, मतलब तो कोई आए हैं चीफ गेस्ट और इतना ज़्यादा भीड़ कर दिया गया, इस तरह का लग रहा है। देख लीजिए दोस्तों अभी फिल्म में डांस चल रहा है, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए ये छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं और उसे देखने के लिए सभी कोई फील्ड के चारों ओर उसे घेर दिए हैं, इस वजह से किसी को देखने भी सही से नहीं मिल रहा है बाहर साइड के, पर वो कुछ लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह का डांस कर रही है ये बच्चे लोग, आप देख सकते हैं फोन की जगह दोस्तों इन लोगों का डांस आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते ही इन लोगों को प्राइज़ मिले, और प्राइज़ मिलने की वजह से इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ओके दोस्तों तो दोस्तों हमने बहुत डांस देख लिया और हम आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको कि किस तरह का मेले में झूला लगाया गया है, और मिकी माउस से हमारे बच्ची ने बोला कि चलो आगे जाके देखते हैं, तो देख लेते हैं आगे थोड़ा सा और किस तरह का है,
देख रहे हैं ना कितने ज़्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की ज़्यादा ही हो रहा है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना यार, मुझे तो इतना भीड़ में चलने में भी अजीब लग रहा है दोस्तों, और रिकॉर्ड करने में हमें बहुत ही दिक्कत हो रहा है दोस्तों, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रहा है कि दोस्तों क्या ही बताएं। आप देख सकते हैं गोल पोस्ट को भी चारों तरफ से घेर दिया गया है, और यहाँ देखेंगे क्या दोस्तों, हमारा लगता है साइड ही साइड चलते रहेंगे हम, तो हमने जाके देख ही नहीं पा रहे दोस्तों। आपको हम फुटबॉल का खेल तो जरूर दिखाएंगे दोस्तों, जितना भी हो सके, क्योंकि आए हैं हम इसी के लिए, और आपको हम दिखाते हैं जितना भी हो सके दोस्तों। आप लोग कमेंट जरूर करना है, और सपोर्ट तो अपना प्यार देते रहना दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम इस मेले में आए हैं इतनी ज़्यादा भीड़ में। आप देख सकते हैं किस तरह के आंटी जी सच सवर के आए हैं और चश्मा लगाए हैं, बहुत ही ज़्यादा किसम का है दोस्तों, मतलब मेले में कोई भी अपने चमक धमक को कम नहीं करके आए हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ के आए हैं दोस्तों। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है इस जगह को देखकर, और क्या ही बताएं दोस्तों। देख सकते हैं मिकी माउस है दोस्तों, और इधर देख लीजिए बच्चे लोग का जंपिंग भी लगा हुआ है, और इधर देख सकते हैं पूरे चारों पट्टी से भीड़ कर दिया गया है दोस्तों, और देख लीजिए ये मिकी माउस है, और मिकी माउस में देख लीजिए बच्चे लोग कैसे कूद रहे हैं, और वो देख लीजिए नौका है, और ये जंपिंग करने का है, और इधर के रास्ते भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्या ही बताए, इतने ज़्यादा भीड़ में तो चलना भी मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल क्या मतलब एक कदम भी बढ़ाने दिक्कत हो जा रही है हमें, पर भी देखता हूँ कि किस तरह का हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए दोस्तों ठीक, और देख लीजिए किस तरह का ये है, ये देख लीजिए हमारा फ्लैग जो हवा में लहरा रहा है, कितना सुंदर लग रहा था, और मैं कहाँ चलूँ और कहाँ नहीं, देख सकते हैं चारों तरफ मेले का भीड़ ऑफ बहुत ही ज़्यादा ही आकर्षित कर रहा है दोस्तों। सभी लोग देखिए जो जो थक गए हैं वो लोग बैठ गए हैं, और देख लीजिए बलून वाले अंकल जी बलून पीछे, वो भी फुटबॉल देखना चाह रहे पर वो भी नहीं देख पा रहे क्योंकि अपना उन्हें व्यापार करना है, ठीक है ना, इस वजह से आप देख सकते हैं दोनों टीम को खड़ा कर दिया गया है, और चीफ गेस्ट शायद आ रहे हैं, इस वजह से उन्हें दिखाया जाएगा कि हमारे कौन कौन खिलाड़ी अभी उतरे हैं, और कौन कौन दोनों के खिलाड़ियों के बीच होगा मुकाबला, ठीक है। और तो देख लीजिए एक ब्लू वाला टी शर्ट दिख रहे हैं, और एक ऑरेंज वाला टी शर्ट दिख रहे हैं, एक बोकारो क्लब के नाम से जाना जा रहा है वो ऑरेंज कलर की, और दूसरा है माझी टोला, तो माझी टोला यही सामने नज़दीक की टीम है, और बोकारो के भी नज़दीक की टीम है, पर दोनों में से आधा आधा टीम बोरो प्लेयर खेल रहे हैं दोस्तों। और देख लीजिए चीफ गेस्ट आ गए हैं, और दोनों से मिलाप कर रहे हैं, उन लोग को बना रहे हैं उन लोग के लिए अपना ये एक्साइटेड, और देख सकते हैं दोस्तों कैसा लग रहा है, वो चीफ गेस्ट आकर इन लोगों को अपना दे रहे हैं। तो दोस्तों खेल प्रारंभ हो गया है, और देख सकते हैं कि दोनों ही टीम अपने अपने मतलब जगह ले रहे हैं, और जगह लेने के बाद ये फुटबॉल का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, और ये है फाइनल राउंड दोस्तों ये दोनों के बीच में, और ये दोनों के बीच में जो जीतेगा उसे मिलेगा फर्स्ट प्राइज 70,000 हार्डली कैश, और जो सेकेंड प्राइज आएंगे उसे 50,000 हार्डली कैश, ठीक है दोस्तों, इस तरह का ये प्राइज वितरण रखा गया है। और देखते हैं दोस्तों दोनों के बीच में मुकाबला किस तरह का होगा, और कौन जीतेंगे मैं आपको बाद में बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। और तो देख लीजिए किस तरह का ये दोनों जन प्लेयर रेडी हो रहे हैं, और रेडी होने के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा, और दोनों का खेल 30 मिनट का है, देख लीजिए रेडी हो गया खेल, और देख सकते हैं पास कैसे कर रहे हैं अपने टीम को। तो दोस्तों आपका टीम कौन सा है बता दीजिए कमेंट में, आपको कौन सा टीम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब टिके गिके से और गोल पोस्ट में गोल दागेगा कौन सा, पहले आप कमेंट बता दीजिएगा, आपका अगर लकी होंगे आप तो ज़रूर आपका हो जाएगा विनर, और मैं तब से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। और दोस्तों आप लोग यार कमेंट भी नहीं करते हो,
और दोस्तों शेयर भी नहीं कर देते, वीडियो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, कम से कम शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करना दोस्तों, मुझे तभी पता चलेगा कि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, यार अच्छा नहीं लगता दोस्तों। ऐसा मुझे लगता है कि डीमोनेटाइज होकर अपने ये यूट्यूब छोड़ दो दोस्तों, मज़ा नहीं आता दोस्तों, आप लोग मदद भी नहीं करते यार। और चलो दोस्तों ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको फुटबॉल के कितना जोर शोर से खेल हो रहा है, ठीक है, और देख लीजिए किस तरह का हो रहा है। हमें तो मज़ा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बताएगा। और देख सकते हैं दोस्तों अब फील्ड के अंदर प्लेंटी हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद दोनों का मैच को फुल टाइम होने के बाद भी दोनों बन गोल नहीं मारे। इस चीन बुझो किधर जब आए ना गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी, देख सकते हैं कितना भीड़ है और इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्या बोलें, बहुत ज़्यादा है ना भीड़, इसलिए अभी भी ये करेंगे क्या करेंगे, इतना भी ये करके और पीटी में तो लेवे करते हैं, इतना पीटी में जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ, कितना भीड़ है ना? भी ले लेता। अरे खिलौना लेके क्या करेगी, घर में तो दिख रही है इतना सारा भीड़ है, फिर भी नहीं ले सकता, क्या करेंगे भीड़ में लेके। चलो ना, हम लोग कितना जा रहे हैं दोस्तों, तो देख सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ है मेले में, और क्या ही पता है दोस्तों इतना ज़्यादा भीड़ है। और रात हो चुका है दोस्तों, हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और देख सकते हैं किस तरह का भीड़ है, देखिए मतलब रात भी हो गया है तो इन लोगों को हटने का नहीं रास्ता, और इनको अपने अपने घर जाने का भी है, और हम लोग भी अपने घर जा रहे हैं, देख सकते हैं, पर भी इतना ज़्यादा भीड़ है कि रास्ते में क्या बताएं दोस्तों, देख सकते हैं ना इतना ज़्यादा भीड़ है कि दोस्तों
कोई अपने आप से हट भी नहीं रहा, रास्ता खाली भी नहीं हो रहा। देख सकते हैं अंधेरा कैसे हो गया, हमारा घर दिख रहा है दोस्तों उधर देख सकते हैं, और इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है कि दोस्तों क्या ही बताएं। ओके दोस्तों तो बने रहिए। तो देख सकते हैं हम लोग मेले में जाकर ये मिठाइयाँ लेके आए हैं। ये देखिए इस तरह का दिखता है ये मिठाई, और ये मिठाई देख लीजिए इस तरह का दिखता है, और ये है लड्डू, और ये है आप लोग जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, और इसे भी जानते ही हैं, और इसे भी आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों इसे क्या नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इसे क्या नाम से पुकारा जाता है आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों हम लोग इतना मिठाई लेके आए हैं, ये देख लीजिए, एक प्लास्टिक, दो प्लास्टिक, तीन प्लास्टिक, ये चार प्लास्टिक, और ये पांच प्लास्टिक। पांच प्लास्टिक हम लोग मिठाई लेकर आए हैं दोस्तों मेले से खरीद के। और दोस्तों मेला इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, और मेरे पास ट्राइपॉड था नहीं दोस्तों, इस वजह से मैं पूरी तरह से शूट नहीं कर पाया। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह आइएगा हर एक नए साल में और जनवरी के समय में, और हमारा यहाँ बहुत ही ज़ोरदार का मेला लगता है और बहुत ही भीड़ होती है दोस्तों। तो आपको हम दिखाते हैं, और आगे बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। ओके दोस्तों, दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा कमेंट में जरूर। हाँ दोस्तों, तो देख लीजिए हम लोग ने मेला में इतना ज्यादा घूमा, इतना ज्यादा घूमा कि थक गया, और हमारे बच्ची भी थक गई थी, और दोस्तों हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए उतना ज्यादा भीड़ की वजह से, और भीड़ में बहुत ही ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा था, और मोबाइल कोई निकाल लेता या चोरी हो जाता, तो इस वजह से मैं पॉकेट में अपना रख लिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेफ्टी चाहिए था दोस्तों, बहुत ज्यादा भीड़ था, आप देख ही रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और इसी तरह मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और इसी तरह लाते हैं हम बड़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह हमारे ब्लॉग को प्यार देते रहिएगा दोस्तों, आपका ही प्यार मुझे सपोर्ट करेगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त, और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग। अभी के लिए टाटा, बाय बाय दोस्तों।